नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी जानकारी देने वाले हैं जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे और आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होने वाली है। ऐसे में इस वीडियो को एंड तक बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। दोस्तों, जब हम सोते हैं तो हमारी चेतना की स्थिति बदल जाती है। हमारी शांतिपूर्ण शारीरिक स्थिति में मस्तिष्क काफी सक्रिय होता है। हमारी मानसिक स्थिति को ठीक करने और एक अच्छे सुबह के मूड को बढ़ावा देने जैसे कार्य करता है। लेकिन आज आधुनिक जीवन के विभिन्न कारकों जैसे मोबाइल का उपयोग करना, देर रात तक टीवी देखना, कैफीन का सेवन करना, तनाव आदि ने खराब गुणवत्ता वाली नींद में योगदान दिया है। आश्चर्यजनक आंकड़े प्रतिकूल स्वास्थ्य और खराब सामाजिक परिणामों की एक विस्तृत श्रृंखला से जुड़े हुए हैं, जो तेजी से व्यस्त जीवन, निरंतर ध्यान भंग और डिजिटल क्रांति की 2400 घंटे पहुँच के कारण किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आज के समय में नींद जल्दी आ जाना और सुबह जल्दी उठ जाना मुश्किल हो गया है। लेकिन इसी बीच अगर यदि आपकी नींद अक्सर 3 बजे के करीब अचानक खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि सृष्टि की दिव्य शक्तियां चाहती हैं कि आप उठें, प्रभु की आराधना करें, परमात्मा का जाप करें, क्योंकि बहुत सी शक्तियाँ आपसे मिलने के लिए, आपके अंदर समाने के लिए बेताब हैं। ये अनजान शक्ति आपको हमेशा सजग रखने का प्रयत्न करती रहती है। आपके जीवन में आने वाले बहुत बड़े बदलाव की ओर ये इशारा करती है। वो हमें सतर्क रहने के लिए कह रही होती है, ताकि जिंदगी में आने वाले बदलावों को झेलने के लिए हम तैयार रहें। और दोस्तों, 3 से 5 के बीच आंख खुलने का मतलब है कि आपके घर में धन धान्य में वृद्धि होने वाली है, आपके घर में खुशियां आने वाली हैं। सुबह जल्दी उठना केवल मन के लिए ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है, और सुबह उठने के कुछ धार्मिक लाभ भी होते हैं। तो इस समय आंख खुलने पर लंबी सांस लें, जितना हो मन में सकारात्मक विचार लाएं, बजरंग बली को एक सरसों के तेल का दीपक जलाएं। दोस्तों, अगर आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुलती है तो थोड़ा सावधान हो जाएं। हो सकता है आपको फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी हो, या फिर हो सकता है कि ऐसा किसी शक्ति के प्रभाव के कारण हो रहा हो। सुबह 3 से 5 के बीच का समय अमृत वेला कहलाता है। इस दौरान कई अलौकिक शक्तियों का प्रभाव भी रहता है, तो संभावना है कि कोई अदृश्य शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है जो आपके जीवन के प्रति जागरूक है। दोस्तों, कुछ लोगों को सुबह जल्दी उठने की आदत होती है, लेकिन अगर आप गहरी नींद सो रहे हैं और अचानक घबराकर 5 से 7 के बीच आपकी आंख खुल जाती है तो ये दर्शाता है कि आप दिल से बहुत ज़्यादा दुखी हैं। ये दर्शाता है कि आप भावनात्मक दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर हैं। कोई चीज़ आपको भाव प्रणवता से रोक रही है। आपकी नींद रोज़ सुबह 5 से 7 के बीच खुलती है तो ये आदत दर्शाती है कि आप बहुत ही क्रियाशील हैं। असल में इस समय आपकी ऊर्जा का प्रवाह बहुत अधिक होता है। इस समय आप सबसे ज़्यादा ऊर्जावान हो सकते हैं। सुबह जल्दी उठ जाना, 5 से 7 के बीच उठ जाना भी एक अच्छी आदत है। शास्त्रों के मुताबिक व्यक्ति को सुबह में सूर्य उदय होने से पहले ही उठ जाना चाहिए, क्योंकि हिंदू शास्त्रों में ये मान्यता है कि जिस भी व्यक्ति को सूर्य भगवान स्वयं आकर जगाते हैं उस व्यक्ति के जीवन में कभी कुछ अच्छा नहीं होता। इसीलिए व्यक्ति को प्रयास करना चाहिए कि वो सूर्य उदय से पहले उठकर स्नान इत्यादि करके ईश्वर की पूजा, जप तप, ध्यान, नित्य कर्म पूरे कर लें। इसके अलावा दोस्तों, सुबह जल्दी उठकर अपने घर की सभी खिड़कियां और दरवाजों को खोल दें, ताकि सूर्य की किरणें आपके घर में प्रवेश कर सकें। घर के आंगन की साफ सफाई करें, अच्छे से करनी है, ताकि माता लक्ष्मी आपके घर में आगमन कर सकें। दोस्तों, सुबह उठकर सबसे पहले ईश्वर का नाम स्मरण करें, ईश्वर को धन्यवाद दें कि हे ईश्वर, आपकी वजह से ही मुझे ये जीवन प्राप्त हुआ है, आपकी वजह से ही मुझे ये खूबसूरत समय देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है, और आप ही के कारण मुझे अपने जीवन में सही राह देखने का अवसर प्राप्त हो रहा है। हे प्रभु, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखें, यदि मेरी ओर से कोई भूल हो जाए तो कृपया मुझे क्षमा करें। फिर धरती पर पैर रखने से पहले धरती माता से प्रार्थना करें, हे धरती माँ, मैं अपने कदम आपके ऊपर रखने जा रहा हूँ या फिर जा रही हूँ, आपके आशीष से मुझे सही मार्ग मिल जाए। उसके बाद अपनी दोनों हथेलियों को रगड़कर अपनी हथेलियों के दर्शन करें। हथेली के अग्रभाग में माता लक्ष्मी का निवास होता है, मध्य में माँ सरस्वती का निवास है, पूरे हाथ में श्री कृष्ण गोविंद का निवास होता है। अगर आप अपनी हथेली को सुबह उठकर देखते हैं तो आपको माता लक्ष्मी, देवी सरस्वती और भगवान श्री हरि कृष्ण के साक्षात दर्शन हो जाते हैं। और जो भी व्यक्ति दिन की शुरुआत इन तीनों के दर्शन से करता है, उसे जीवन में सफलता जरूर प्राप्त होती है, घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। बताया जाता है कि रात्रि के पहले पहर में सो जाना चाहिए और ब्रह्म मुहूर्त में जागना
रहना चाहिए, लेकिन आधुनिक जीवन शैली के चलते ये संभव नहीं होता। पहले तो कोई जल्दी सोना भी चाहे तो ये सोशल मीडिया जैसी चीज़ें हैं उसे सोने ही नहीं देती। जैसे तैसे इंसान देर रात सोने की कोशिश करता है, फिर अगर अचानक से नींद खुल जाए तो परेशान हो जाता है, क्योंकि नींद टूटने के बाद फिर दोबारा सोना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। विज्ञान कहता है कि रात के तीसरे पहर में नींद एक चरण से दूसरे चरण में प्रवेश करती है, हल्की हो जाती है। इसी वजह से कई लोग अचानक से जाग जाते हैं। नींद पूरी ना होने से कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। वैसे तो बाकी किसी भी समय पर नींद का खुल जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर नींद हर दिन एक विशेष समय पर खुले तो इसे नज़रअंदाज भी नहीं करना चाहिए। ये कोई आम बात नहीं है। इस दुनिया में व्यक्ति के जीवन में कोई भी चीज़ बेवजह तो होती नहीं है। यहाँ तक कि व्यक्ति जब नींद में सपना भी देखता है तो उस सपने का कोई ना कोई मतलब ज़रूर होता है। नींद खुलना आपके जीवन में हो रहे बदलाव की तरफ संकेत करता है। इसको हल्के में लेना आपको भारी पड़ सकता है। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो बस समझिए ये वीडियो आपके लिए ही है। इसे आखिर तक जरूर देखिएगा और जान जाइएगा कि इसके पीछे की वजह क्या है। दोस्तों, अगर आप जल्दी सोना चाहते हैं और आपको रात में 9 से 11 के बीच में नींद नहीं आती है तो हो सकता है कि आपको कोई चिंता सता रही है, आप मानसिक तनाव में हो। सुकून भरी नींद और तनाव की गहरी दुश्मनी है और आपका दिमाग तनाव मुक्त रहता है तब आपको अच्छी नींद आती है। इसके लिए आपको ध्यान करना होगा, चित्त को एकाग्र करना होगा। आप ठंडे पानी से चेहरे को धोकर सकारात्मक मंत्रों का जाप करें। आप अपने जीवन के खुशी के पलों को याद करें। इस तरह से दिल को बहलाकर आप तनाव को कम कर सकते हैं। इससे ना केवल आपको तनाव से छुटकारा मिलेगा बल्कि आपको एक अच्छी नींद भी मिल सकेगी। ऐसे ही अगर आप रात्रि 11 से 1 के बीच में अचानक सोते हुए उठ जाते हैं तो भी आप किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित हैं, आप खुद को भरोसा दिलाइए, जो होने वाला होगा वो तो होकर ही रहेगा। चिंता की चिता में जलने से कुछ नहीं होगा, उल्टा सेहत भरी नींद लेकर सुबह ताजगी भरे मन से आप समस्याओं का निपटारा करने में अधिक सक्षम होंगे। और अगर ऐसी चिंता की कोई बात ही नहीं है तो कहते हैं कि रात 12 बजे के आसपास के समय में अगर आपकी नींद खुलती है तो इसका मतलब हो सकता है कि कोई अनजान शक्ति आपके आसपास रहकर आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है, जो आपको आपके जीवन के उद्देश्य के प्रति जागरूक कर रही है। इससे आपकी जान को खतरा हो सकता है। दोस्तों, रात में 1 से 3 के बीच का जो समय होता है वो सबसे ज्यादा गहरी नींद का समय होता है। अगर इस वक्त आप अचानक जाग जाते हैं तो ये दर्शाता है कि आपका यकृत यानी कि लीवर ठीक से काम नहीं कर रहा है। कोई स्वास्थ्य संबंधी परेशानी जरूर है। ये आपके चिड़चिड़ेपन को भी दर्शाता है। अगर बहुत कुछ आपने अपने मन में अपने दिल में छुपा कर रखा है, आप व्यक्त ही नहीं कर पा रहे हैं और गुस्सा नाराजगी आपके मन में है, तो अक्सर ऐसा होता है। ऐसे में ठंडा पानी पिए, थोड़ा ध्यान करें, ईश्वर का नाम स्मरण करें, भरोसा रखें, आपके जीवन में फिर से सुकून लौट आएगा। कहते हैं यदि रात में 12 से 1 के बीच आप कोई सपना देखते हैं तो वो सपना आने वाले 3 साल में सच हो सकता है, और अगर 1 से 2 के बीच देखे गए सपने कहते हैं साल भर में सच साबित होते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको भी सपने इन समयों पर आते हैं तो दोस्तों आपके वो सपने जल्द ही पूरे होने वाले हैं। ऐसे में आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा हाँ या ना में, क्या आपकी नींद 3 से 5 बजे के बीच कभी खुली है या फिर नहीं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।